नागल चौधरी में गौरक्षा दल व पुलिस ने एक कंटेनर को काबू किया है। इस कंटेनर में 13 गायें भरी हुई थी। बताया जा रहा है कि इन गायों को गोकशी के लिए ले जाया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया है। इनमें एक सोनीपत का निवासी तथा दूसरा उत्तर प्रदेश का निवासी बताया जा रहा है। गौरक्षा दल के सुधीर चौधरी की टीम को नेशनल हाईवे नंबर 148B पर एक कंटेनर जाता हुआ दिखाई दिया। कंटेनर के अंदर गोवंश दिखाई देने पर उन्होंने इस कंटेनर का पीछा किया तथा पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कंटेनर को रुकवाया। रुकवाकर कंटेनर को जब चेक किया गया तो कंटेनर के अंदर 13 गायें भरी हुई थी। कंटेनर को रुकवाने के बाद कंटेनर का चालक व परिचालक उसको मौके पर छोड़कर भाग गए, लेकिन गौरक्षा दल और पुलिस की मदद से दोनों को काबू कर लिया गया। दोनों युवकों में से एक युवक हरियाणा के सोनीपत जिले का रहने वाला है, जबकि एक युवक उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है। दोनों युवकों से कंटेनर के अंदर गायों को ले जाने संबंधी पूछताछ की गई तो वे संतुष्टि भरा जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद पुलिस ने उनको मौके से पकड़ लिया। वही कंटेनर में मिली गायों को पुलिस ने नागल चौधरी की गौशाला पहुंचा दिया। क्या नाम था? सुबह के समय हमारी जी डाई डाली जी हमारी टीम से जुड़े हुए हमारे डॉक्टर साथी हैं डॉक्टर योगेश, वो इस साइड से गुजर रहे थे तो उन्होंने कंटेनर की सूचना दी। तो आप लोगों ने पुलिस को सूचना दी या आप लोगों ने खुद ने पकड़ा, कैसे क्या? पुलिस प्रशासन को हमने सूचना दी है, पूरी तहकीकात करने के बाद ये गाय दोनों मिली है, उसके बाद पूरी कागजात मौजूद है। इसमें कितने को पकड़ा आप लोगों ने? इसमें 2 व्यक्ति थे, एक तो सोनीपत से और एक यूपी से, इमरान खान। अच्छा, इनके पास पैसे उसे जो कुछ था? जी, इनके पास पैसे निकले थे, वो पुलिस प्रशासन के सामने इनको सौंप दिए गए हैं।